हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। लेकिन फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट क्या है। मार्केट कोई भी एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स कुछ गुड्स को, सर्विसेज को या कुछ इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं और सेलर्स बायर्स से मनी के बदले अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। कमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट या मटेरियल होता है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। इन इकोनॉमिक्स मार्केट को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली। इनको थ्री बेसिस के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, नंबर ऑफ फर्म्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं और सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने में एंगेज रहते हैं और मार्केट में एक ही कीमत प्रचलित होती है। इसके दो मुख्य एग्जांपल हैं एग्रीकल्चरल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज ये दोनों ही ऐसे मार्केट हैं जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस भी लगभग सेम रहता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं और प्राइस मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है और कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, फर्म्स लार्ज नंबर्स में होती हैं, तो कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक फर्म होल मार्केट का एक बहुत छोटा पार्ट होती है, इसलिए ये प्राइस टेकर होती है। जो प्राइस डिसाइड हो गया उसी पर इनको बेचना पड़ता है। सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस यानी समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है तो बायर्स इजीली दूसरे सेलर की तरफ स्विच कर जाता है जो सही कीमत दे रहा होता है। नंबर थ्री, इक्वल मार्केट शेयर। सभी फर्म्स का मार्केट में इक्वल शेयर होता है, यानी कोई भी फर्म अपने आउटपुट को कम या ज़्यादा करके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, इसलिए नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है। फुल इन्फॉर्मेशन, बायर्स और सेलर्स को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, इसीलिए कोई भी फर्म बायर्स से डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकती और बायर्स भी हायर प्राइस पे नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट, अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। नेक्स्ट है ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। क्योंकि सेटअप कॉस्ट बहुत ही लो होती है परफेक्ट कंपटीशन में, इसीलिए कोई भी न्यू फर्म्स मार्केट में इजीली एंट्री कर जाती है और इजीली एग्जिट भी कर जाती है। इसमें कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, किसी को लाइसेंस नहीं लेना होता। इट एम्फेसाइजेज द फैक्ट दैट इट इज़ एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट रादर देन अ रियलिटी। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इन विच वन ऑफ द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन नॉट मेट और फॉलोड, यानी जिसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। फर्म्स के पास पूरी पावर होती है प्राइस को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है, और प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड से सेट नहीं होता। कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर एंड बैरियर्स ऑन एंट्री। मार्केट शेयर के लिए कंपटीशन रहता है और न्यू फर्म्स का बैरियर होता है एंट्रीज में और एग्जिट में। इनको इन्हीं आधार पर तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर केवल एक सिंगल सेलर होता है जो कोई एक सिंगल प्रोडक्ट को या एक ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहा होता है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। फॉर एग्जांपल, रेलवेज इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोनोपोली।
मोनोपोली के फीचर्स क्या हैं? पहला, सिंगल सेलर, ये सिंगल सेलर ही होता है, अपना पेटेंट लेकर रखता है, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसकी गुड्स का, जो भी ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, इंडस्ट्री में एंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे लाइसेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, पेटेंट, इन सब से होकर गुजरना पड़ता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद पाया जाता है, यानी कोई भी मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करता है, वो प्राइस को कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के हिसाब से डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने रेलवे लिया था, तो रेलवे में अलग अलग कैटेगरीज के कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें अलग अलग टिकट के चार्जेस रहते हैं। नेक्स्ट है प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर से मतलब है कि वो पूरे मार्केट में एक अकेला सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर होने की वजह से वो अपनी मर्जी से अपने प्राइस डिसाइड करता है अपने प्रोडक्ट के, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट का जो मेन एम होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो क्लोजली रिलेटेड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फास्ट फूड कंपनीज हो गई मैकडी एंड बर्गर किंग। मैकडी और बर्गर दोनों ही बर्गर बना रहे हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में और प्राइस में डिफरेंस है। रनिंग शूज मार्केट, जैसे एडिडास एंड नाइक के शूज़ हैं, दोनों प्रोडक्ट सेम बना रहे हैं, शूज़ बना रहे हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में और प्राइस में डिफरेंस होगा। इसी प्रकार से रेस्टोरेंट्स, होटल, पब्स, सोप, टूथपेस्ट, एसी, एक्सेट्रा, ये सभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन जितनी इजी नहीं होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी प्रोडक्ट बन तो सेम रहा है, सभी सोप बना रहे हैं, लेकिन सोप में भी कैटेगरी डिवाइड हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। सेलिंग कॉस्ट, इनको अपना कंपटीशन में रहने के लिए सेलिंग कॉस्ट पे खर्च करना पड़ता है, इन्हें एडवर्टाइजमेंट पे, सेलिंग कॉस्ट से मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करना। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, ये प्राइस नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये कोई भी फ्री गिफ्ट उसके साथ निकाल देते हैं जिससे कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करे। मोर इलास्टिक डिमांड, क्योंकि अब बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो इसीलिए इनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। यानी अगर मान लो किसी एक सोप के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर दूसरे सोप की तरफ स्विच कर जाएगा। लेस मोबिलिटी होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आसानी से इधर उधर मूव नहीं करते हैं। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को भी मार्केट के प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए कभी कभी वो ज़्यादा प्राइस भी पे कर देता है। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर सिर्फ कुछ ही फर्म्स होती हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ओलिगोपोली में दो टाइप के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, एक वो फर्म्स जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, दूसरी वो फर्म्स जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। इस फॉर एग्जांपल एयरलाइन, सेलुलर फोन सर्विसेज, सीमेंट, स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली कंपटीशन, इसमें फ्यू फर्म्स होती हैं, इंटरडिपेंडेंस होती हैं, यानी अगर एक फर्म अपने प्राइस को बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म जो राइवल फर्म है, उसकी राइवल कॉम्पिटिटर है, वो फौरन अपने प्राइस को उसी के हिसाब से घटा बढ़ा देगी जिससे कहीं उसके कंज्यूमर, उसके कस्टमर कम ना हो जाए।
नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है। ये प्राइस को आसानी से घटाते बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि प्राइस वॉर होने का डर रहता है। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स, ये इनका सेटअप इतना लार्ज लेवल का होता है कि कोई भी फर्म इजीली मार्केट में एंट्री नहीं कर पाती और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसमें बहुत ही कम एंट्री हो पाती है। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि ये प्राइस को ज़्यादा घटाते बढ़ाते नहीं हैं इसीलिए इसमें सेलिंग कॉस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हैं जिससे इनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। ग्रुप बिहेवियर, ये सभी ओलिगोपोलिस्ट, जो ओलिगोपोली में जितनी भी फर्म्स होती हैं, ये सभी बजाय प्राइस वार में पड़ने के, ये सभी एक साथ बैठकर ये डिसीज़न लेते हैं कि उनके प्रोडक्ट के प्राइस कितने रखने होंगे। ठीक है, तो लगभग सेम ही प्रोडक्ट के प्राइस रहते हैं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर टू टाइप का होता है, या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।